नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन हमारे चैनल में। और इमरान अहमद खान नियाजी उर्फ इमरान खान के बारे में इस एपिसोड में। एक समय तेज गति के गेंदबाज, फिर क्रिकेट टीम के कैप्टन, कई शादियां रचाने वाले और अब वर्तमान में एक देश के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान। जो तेजी उनकी बॉलिंग में दिखती थी वह उनके राजनीतिक करियर में दिखाई नहीं देती। वो एक हारे हुए हताश खिलाड़ी लग रहे हैं, जैसे कि उनको मालूम है कि मेरी टीम बस हारने ही वाली है। समय भी क्या क्या खेल दिखाता है। कभी पाकिस्तानवासी जिस इमरान खान को अपने कंधों पर उठा लेते थे, आज उन्हें लानते भेजते हैं, गालियां देते हैं और तो और उनकी कैबिनेट के मंत्री भी उन पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया भी उन्हें हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से सीख लेने का बोलने लगी है। मेष राशि के इमरान खान के वृश्चिक राशि के भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और वृश्चिक राशि के ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से संबंध अच्छे नहीं है, अतः संबंध तल्ख या नेगेटिव ही रहेंगे। इमरान खान का डोनाल्ड ट्रंप से तालमेल न रहने से अमेरिका पाकिस्तान को देने वाली सहायता में आगे चल करके भारी कटौती करेगा, जिसकी भरपाई के लिए इमरान खान चीन और सऊदी अरब की ओर हाथ फैलाने पर मजबूर होंगे। वर्ष 2020 में जब इमरान खान बृहस्पति में बुध की दशा में चल रहे होंगे, तब उनको भारत से शीत युद्ध के चलते कठिन हालातों का सामना करना पड़ेगा। इमरान खान की कुंडली में शनि और मंगल लग्न से संबंध बना रहे हैं, जैसा कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में भी शनि और मंगल शीत युद्ध के सप्तम भाव को देख रहे हैं। इस ज्योतिषीय योग के प्रभाव से पाकिस्तान और भारत के रिश्ते 2019 के अंत से ज्यादा बिगड़ने लगे हैं और वर्ष 2020 की गर्मियां आते आते दोनों देशों में एक बार फिर किसी बात पर ठनने वाली है और इसका परिणाम पाकिस्तान के लिए बहुत भयानक होगा, बहुत खराब होगा, खतरनाक होगा। 25 जुलाई 2018 को 270 सीटों के लिए पाकिस्तान में हुए आम चुनावों में इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मींस पीटीआई 116 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी और इस जीत के साथ ही इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन गए। इस समय बृहस्पति में शनि की अंतर्दशा चल रही थी। वर्तमान समय में इमरान खान को बृहस्पति की मां दशा चल रही है। बृहस्पति जो कि द्वितीय भाव और पंचम भाव का अधिपति होकर के रोग भाव में स्थित है, 11 नवंबर 2018 से 18 फरवरी 2021 तक चलने वाली बृहस्पति में बुध की अंतर्दशा ने परिस्थितियों में आग में घी डालने जैसा काम किया है, क्योंकि बुध अष्टम भाव का अधिपति है तथा साथ ही बाधा कारक एकादश भाव का भी अधिपति है। यद्यपि बुध अस्तगत है और मंगल के नक्षत्र में है तथा मंगल मेष राशि में स्थित होकर तनाव का कारण बना हुआ है, परंतु बुध यहां राजयोग कारक भी है, इसलिए सत्ता में बनाए रख रहा है। साथ ही आर्मी से संबंध बनाए रखने में भी सहायक हो रहा है, परंतु पाकिस्तान की जटिल समस्याओं को सुलझाने में इमरान खान को वक्त शायद बहुत ज़्यादा लगेगा और वो अपने शासनकाल में शायद इन परिस्थितियों को, शायद इन समस्याओं को नहीं सुलझा पाएंगे। इमरान खान के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही पाकिस्तान भयंकर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। इमरान खान ने अपने चुनाव प्रचार में पाकिस्तान को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की बात की थी। इमरान खान की तमाम कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान अभी तक आर्थिक संकट से निकल नहीं पाया है। भारत के साथ में चल रहे तनाव से पाकिस्तान को भी भयंकर आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। 16 नवंबर 2019 के पश्चात स्थितियां इमरान खान के लिए बहुत प्रतिकूल इस समय चल रही है। इस समय पाकिस्तान में महंगाई दर पिछले 12 साल की रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। महंगाई का आलम यह है कि देश में आटा, चीनी और गेहूं के दाम आसमान छू गए हैं और आम आदमी दाने दाने को मोहताज हो रहा है। इमरान खान के लिए यह हालात संभालना आसान कोई भी स्थिति में नहीं हो रहा है और इस समय कोविड-19 अर्थात कोरोना जैसी महामारी में भी मदद के लिए बहुत से देशों की ओर आशा भरी नजरों से देख रहे हैं और पाकिस्तान में रहने वाले संक्रमितों को भी वो कैसे पीओके में छोड़ रहे हैं, जहां पूरी दुनिया बेहतर इलाज पर ध्यान दे रही है और पाकिस्तान सैकड़ों एकड़ जमीन मुहैया करवा रही है कब्रिस्तान के लिए, जहां पर कोरोना से संक्रमित होकर के मरने वालों को दफनाया जा सके। साथ ही चीन में रह रहे पाकिस्तानी लोगों के बारे में गंभीरता से नहीं सोचने और उनकी सुरक्षा की अनदेखी करने के लिए भी विपक्ष ने, अर्थात जो पाकिस्तान का विपक्ष है, उसने सरकार पर तीखे हमले
स्टार्ट कर दिए हैं। उनका कहना है कि जब सारे देश अपने नागरिकों को चाइना से वापस बुला रहे हैं तो हम एहतियात के तौर पर उन्हें सुरक्षित अपने देश में क्यों नहीं बुला सकते। इमरान खान ने विपक्षी नेताओं के दबाव के बाद भी यह तय किया है वह इस कठिन वक्त में चीन से अपने लोगों को वापस नहीं बुलाएंगे। इमरान खान ने बहाना यह बनाया है कि अपने नागरिकों को चीन से वापस बुलाना इस समय दोनों देशों के रिश्तों को देखते हुए ठीक नहीं है और ऐसे वक्त में हम उन्हें यह एहसास नहीं दिलाना चाहते कि हमारे लोग चाइना में सुरक्षित नहीं है। इस समय काल में संभव है कि या तो इमरान खान को नजरबंद कर दिया जाएगा अथवा उनको अपनी जान बचाने के लिए देश छोड़कर ही भागना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान में परंपरा यही है कि ज्यादातर नेता विपरीत परिस्थितियां जब भी पैदा होती है देश छोड़कर के इंग्लैंड में चले जाते हैं, वहां जाकर के बस जाते हैं। उनके साथ वास्तव में क्या होने वाला है यह तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन मैंने जो विश्लेषण किया है यह सिर्फ आभास मात्र है, वास्तव में स्थिति कहीं ज्यादा गंभीर है जो कि आने वाले समय में आपको पता चल जाएगी। इस एपिसोड में बस इतना ही। इस एपिसोड को बनाने का उद्देश्य मात्र इतना ही था कि ज्योतिष में जब ग्रह दशा खराब आती है, जब समय प्रतिकूल आता है, तो व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, कोई भी पोस्ट पे हो, उस व्यक्ति को क्या कुछ नहीं देखना पड़ता है। उस व्यक्ति को राजा को रंग बना देता है और रंग को राजा बना देता है, उसको समय काल कहा जाता है, उसको दशा क्रम कहा जाता है। यही उद्देश्य था एपिसोड बनाने का। आशा करता हूँ यह एपिसोड आपको पसंद आएगा। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल करें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं, ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।